नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अभिषेक रजक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्क्रूटनी का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। अगर आप भी 10वीं और 12वीं का यूपी बोर्ड का परीक्षा दिए हैं, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि आपकी कापी गलत चेक हुई है, तो इसके लिए आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाता है, जिसके लिए आपको एक सब्जेक्ट का 500 रुपये लगेगा। आपको अगर स्क्रूटनी करवाना है, मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट में लगता है कि आपका कम नंबर है, तो उसके लिए अगर आप स्क्रूटनी का फॉर्म डालते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम गूगल पे चले आएंगे और यहाँ पे आके टाइप करेंगे UPMSP और सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको पहली वेबसाइट जो दिख रही है UPMSP, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। आप जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपल से नीचे आना होगा। आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा पहले नंबर पर हरा कलर में, हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन। अंतिम तिथि जिसका है 22/7/2020, मतलब 22 जुलाई इसका लास्ट डेट है। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। आप जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो चलिए इसे हम डेस्कटॉप साइट पे कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। यहाँ देख सकते हैं ये वेबसाइट पे लिखा हुआ आ रहा है हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा वर्ष 2020, अंतिम तिथि 22/7/2020। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले लिखा गया है महत्वपूर्ण निर्देश। तो चलिए हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया, आवेदन करने के उपरांत भरे हुए आवेदन को डाउनलोड कर मुद्रित कर उसे जमा किए गए रजिस्ट्रेटरी की चलान के मूल प्रति के साथ परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उनके निर्धारित पते पर रजिस्ट्रार डाक से निर्धारित तिथि से पूर्व आवश्यक प्रेषित कर दें। निर्धारित तिथि का उक्त आवेदन के साथ शुल्क के लिए ट्रेजरी चलान की मूल प्रति प्राप्त न होने पर समीक्षा की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले दो ऑप्शन आपको मिलेगा, हाई स्कूल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें, और दूसरा इंटरमीडिएट के लिए। और नोट यहाँ लिखा गया ट्रेजरी चलान फॉर्म डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए हम सबसे फॉर्म पहले डाउनलोड करते हैं। तो इस पर क्लिक करके ये फॉर्म डाउनलोड कर ले रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये चलान की एक डाउनलोड हो चुका है ट्रेजरी फॉर्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको इसका बैंक का IFSC कोड, बैंक का नाम व शाखा सब यहाँ डालकर, और जितना रुपए है मतलब जितना आपको चेक कराना है सब यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे सब टोटल करके इसे बैंक में डालना होगा। तो इसके बाद ये पैसा वहाँ चला जाएगा। तो चलिए हम पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो चलिए हम बैंक आ जाते हैं। जैसे ही बैंक आ जाएंगे तो मान लीजिए आपको हाई स्कूल के लिए आवेदन करना है या इंटर के लिए। तो चलिए हम इंटरमीडिएट के लिए क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको रोल नंबर मांगा जाएगा। तो अपना रोल नंबर यहाँ डाल दीजिए। तो चलिए हम रोल नंबर डाल देते हैं। ये रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे सेंटर कोड डालना होगा। तो चलिए हम सेंटर कोड डाल देते हैं। सेंटर कोड डालने के बाद यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं परीक्षार्थी का रोल नंबर यहाँ आ जाएगा, और परीक्षार्थी के माता पिता का नाम अमन साहनी, पूनम देवी, इस तरीके से। फिर यहाँ जनपद, स्कूल कोड, सेंटर कोड सब यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं विषय ग्रुप कोड, साइंस, और सबसे पहले यहाँ लिखा गया है विषय चुनने जिनकी लिखित परीक्षा अथवा लिखित एवं प्रयोगात्मक दोनों परीक्षाओं के लिए स्क्रूटनी करानी है। तो मान लीजिए आपका किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर है तो उस पर क्लिक करिए। मान लीजिए मेरा फिजिक्स में कम है तो मैं फिजिक्स पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं मतलब इसका पैसा आ जाएगा। अगर आप एक सब्जेक्ट चेक करा रहे हैं तो 500 रुपये। तो मान लीजिए आपको कई सब्जेक्ट चेक कराने हैं तो सब यहाँ से चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे केमिस्ट्री भी कराना है तो इस पर क्लिक कर लेंगे, बायोलॉजी पे भी। तो जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपकी सारी पेमेंट यहाँ 1500 रुपये की हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है समीक्षा हेतु प्रति प्रश्न पत्र 500 रुपये शुल्क निर्धारित है,
और यहाँ चौथे नंबर पे देखिए क्या लिखा गया है, उपरोक्त क्रम में अगणित संरक्षा शुल्क की ट्रेजरी परिषद की निर्धारित मद में जमा कराए जाने हेतु वितरण। तो जमा की गई राशि आप तीन सब्जेक्ट चेक करा रहे हैं तो यहाँ 1500 डालेंगे। फिर चालान संख्या जो आप फॉर्म डाउनलोड किए हैं उस पर जब हम पैसा पे कर देंगे बैंक में तो यहाँ चालान नंबर मिलेगा, उसे यहाँ डालना होगा। और ट्रेजरी में शुल्क जमा करने की तिथि जिस दिन आप जमा करेंगे वो डालेंगे। और बैंक का नाम जहाँ से शुल्क जमा किया है, आप जिस बैंक में जाके जो ट्रेजरी फॉर्म हम डाउनलोड किए हैं वो वहाँ पे देंगे तो उस बैंक का नाम डालेंगे और उसकी संख्या पूरी डाल देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए चालान का फोटो, तो मैं आपको बता दूँ ट्रेजरी फॉर्म हम डाउनलोड किए हैं उसे स्कैन करके यहाँ से फिर डालना पड़ेगा। और ये देखिए लिखा गया है पता जहाँ आवेदन एवं चालान भेजना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये है कि जब आप ऑनलाइन कर लेंगे और चालान भर देंगे तो दोनों के फोटोकॉपी को इस एड्रेस पर भेजना है डाक द्वारा, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी रियलाइजेशन ऑफिस नियर नॉर्मल टैक्सी स्टैंड गोरखपुर। पिन कोड इतना दिया गया है, फ़ोन नंबर इतना दिया है, तो इस एड्रेस पे आपको फॉर्म डाल के भेजना है। तो यहाँ निर्देश भी आप पूरी जानकारी पढ़ लीजिएगा और यहाँ से सेव स्क्रूटनी एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा पूरा फिल होके, और इसे डाउनलोड करके आप इस स्थान पर भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना स्क्रूटनी डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।